आगामी 4 फरवरी को राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा आहूत है और इस रैली की तैयारी में विभिन्न आदिवासी संगठन लगातार लगे हुए हैं। इसी कड़ी में राजधानी रांची के धूम कुड़िया भवन में विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आदिवासी एकता रैली की तैयारी के विषय में बताया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से आदिवासी संगठन के अगुआ ने बताया कि आगामी 4 फरवरी को होने वाले आदिवासी एकता रैली आदिवासियों के हक और अधिकार, सभ्यता और संस्कृति की हनन आगामी समय में जिस प्रकार की जा रही है, इन तमाम मुद्दों के विचार विमर्श के लिए ये आदिवासी एकता रैली की जा रही है। इस रैली के माध्यम से आदिवासियों के बीच उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए आपसी एकता और सामंजस्य जागृत करने का काम किया जाएगा। हम लोग आदिवासियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा आज जो हमारा 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली का जो आहूत किया गया है विभिन्न संगठनों के द्वारा, उसको लेकर के आज ये हम लोग का आज प्रेस वार्ता हुआ। प्रेस वार्ता के कहने का मतलब है तैयारी तो बहुत हुई है, क्योंकि हर गांव से हर कस्बे से जो हमारे धार्मिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और आदिवासी विचारधारा को मानता है, वो जो है मोराबादी कूच करेंगे और अपील करना चाहते हैं कि जो भी बीजेपी और आरएसएस के लोग जो आदिवासियों को एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है उसके खिलाफ हो रहा है। और हम अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो है हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जमीन बचाओ, धर्म की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो, लेकिन बीजेपी के लोग चाहे उसके अनुसंगी संगठन के लोग अभी कभी भी इस पर बातें नहीं करती है। इसी के विरोध में हम लोग आज जो है 4 तारीख को मोराबादी कूच करने के लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे थे। आदिवासी महिला संगठन के अग्रणी नेता ने कहा कि आदिवासी एकता रैली में महिलाओं की सहभागिता बढ़ चढ़ कर होगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां पूरे राज्य भर में की जा रही हैं। इस रैली में जो 4 फरवरी को जो रैली हो रही है उसमें महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाएं ही बढ़ चढ़ कर आई हैं, क्योंकि अभी महिलाएं अपने आदिवासी अधिकार के प्रति जागरूक हो गए हैं और इसीलिए वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जो झारखंड के अलग अलग जिलों से वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस बार की रैली देखने लायक है।